सूबे की योगी सरकार में सरकारी स्कूलों में बच्चों की अच्छी पढ़ाई कराने के लिए हर समय कोई ना कोई सख्त कदम उठाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जनपद जालौन के ब्लॉक डकोर के गांव अटरिया में एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई के नाम पर शिक्षिका की लापरवाही आए दिन सामने आती है, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि अगर विद्यालय में इस दबंग लेडी शिक्षिका वंदना श्रीवास्तव व अनुदेशिका मीनू श्रीवास अगर इस तरह से बच्चों को पढ़ाई के नाम पर आराम फरमाते रहेंगे तो हम गरीब लोग अपनी बच्चों की पढ़ाई के नाम पर सरकारी स्कूलों से विश्वास उठ जाएगा। अपने बच्चों का नाम कटाकर दूसरे स्कूलों में किस तरह से दर्ज कराया जाए, क्योंकि आदमियों के पास पैसे नहीं होते, गरीब होते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते, वो जाकर सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। लेकिन अगर सरकारी स्कूलों के अध्यापक केवल आराम फरमाते रहें, बच्चों को ना पढ़ाएं, तो आखिरकार बच्चों के भविष्य किस तरीके से उज्ज्वल होगा? आज आप लोगों को ऐसी क्या समस्या हुई है कि जो आपको डीएम साहब के यहाँ आना पड़ा? हम लोग इस वजह से डीएम कार्यालय में आए क्योंकि हमारे यहाँ पर मीनू श्रीवास जो अनुदेशिका हैं जी, वो समय पर विद्यालय नहीं आती हैं। इस वजह से हम लोगों को उनको अवगत कराया और कहा गया कि आप लोग विद्यालय समय पर आएँ, तो वो समय पर नहीं आती थी, तो उसके लिए अध्यापकों के द्वारा उनको रोका गया, उनसे कहा गया इस चीज़ को कि आप समय पर आएँ, तो वो लोग नहीं आती हैं। तो इस पर उन्होंने ये कहा है, जिनका आरोप लगाया कि अध्यापकों ने मेरे साथ छेड़खानी की, तो ये ऐसा कहीं कुछ नहीं, उस पर पुलिस विवेचना की गई। इसके बाद में पुलिस वो FDI साहब भी अटरिया आए BSC साहब के आदेश अनुसार, तो उन्होंने वहाँ पर देखा, हम लोग गांव के कम से कम 500 लोग इकट्ठे थे स्कूल में, तब वहाँ देखा गया तो ये कहीं कुछ ऐसा पाया नहीं गया है, तो उसमें ये सब निराधार थी और इस चीज़ को लेके आए कि ये या तो वहाँ पर अध्यापकों ऐसे अध्यापकों को। TV1 इंडिया न्यूज के लिए समीर मंसूरी की रिपोर्ट, जालौन बुंदेलखंड। हरदोई में बनी साइलेंट सीजर फिल्म हुई रिलीज, देखने वालों ने तारीफ की। आपको बता दें कि हरदोई में बनी और हरदोई के बेहतरीन कलाकारों के अभिनय से सजी इस अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म का प्रीमियर मीरा टॉकीज में रिलीज किया गया, जिसको देखना हरदोई के जिलाधिकारी पुलकित खरे व उनकी पत्नी और हरदोई जिले के पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी जिले के तमाम लोग देखने गए और उन लोगों ने काफी सराहना भी की। TV1 इंडिया न्यूज के लिए राकेश शुक्ला के साथ संदीप शुक्ला की रिपोर्ट, हरदोई। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में दरिंदों ने एक युवती को केले देने के बहाने घर में बुलाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। दरिंदों ने युवती को रुपए देने का लालच देकर घटना को अंजाम दिया है। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। गैंगरेप की घटना गुन्नौर थाना क्षेत्र इलाके की, जहाँ पर दो दरिंदों ने केले देने के बहाने एक युवती को घर में बुलाया, गेट बंद कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। यही नहीं, आरोपियों ने युवती को रुपयों का लालच देने की भी कोशिश की। किसी तरह दरिंदों के चंगुल छूटकर पीड़िता अपने परिवार वालों को आपबीती बताई, जिसके बाद थाने में पहुंचे परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में CEO अशोक कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। आदमी ने मेरा मुंह दबा लिया, तो मैं कह रही थी मैंने छोड़ो, एकदम से मैंने कबाड़ी मैंने बहुत बजाई, पर उसने बाहर जो आदमी था उसने तार लगा दिए, एकदम से जाने की कोशिश कैसे करूँ, लेकिन चिल्लाने की कोशिश करी लेकिन उसने मुंह दबा लिया। फिर मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हो, मैं हाथ कपड़े कपड़े पहनने लगा। सर, ये गैंगरेप का मामला है, गुन्नौर के गांव में युवती से गैंगरेप हुआ है। आज दोपहर गुन्नौर थाना पुलिस को सूचना मिली कि बाघो में एक औरत के साथ बलात्कार हुआ है। इस सूचना पर गुन्नौर थाने की पुलिस तत्काल बाघो गांव में पहुंची है। वहां जाने पर तत्काल एक नफीस सनाफ अली जान बाघो का रहने वाला है गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा इसका जो सहायक यानी साथ में था मोइनुद्दीन सनाफ कदीर भाग गया, लेकिन करीब एक घंटे बाद वो भी अभियुक्त मस्जिद वाली गली रजपुरा का रहने वाला था, वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तरफ से तहरीर मिल गई है और FIR कायम हो चुका है, आगे विधिक कार्रवाई। इसको मेडिकल भेजा गया सर? मेडिकल उसका कराया जा रहा है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट, संभल। योगी सरकार में आवारा पशु बेहाल हैं। पीलीभीत क्षेत्र के ग्राम घूंगा चिहाई में आवारा पशु इस तरीके से बेहाल हैं कि कहीं उनके पैर कटे हुए हैं तो कहीं टांगे फटी हुई हैं। उनके और घाव इतने भारी हैं कि चलना फिरना उनके लिए मुश्किल है। योगी जी कहते हैं कि हम गौर अच्छा करेंगे, लेकिन उनके कर्मचारी उनके कानों में जूं तक नहीं डेंग रहे और इसी तरीके से बेचारे मरे पड़े रहते हैं। लेकिन योगी जी के कर्मचारी भी देख भी नहीं रहे कि क्या हो रहा है। गौशाला बनवाने का उन्होंने प्रण किया था, लेकिन उनका वादा झूठा होता साबित हो रहा है, के चलते ग्रामीण काफी परेशान। TV1 इंडिया न्यूज के लिए नवीन अवस्थी की रिपोर्ट, पीलीभीत।
बुलंदशहर के देहात कोतवाली क्षेत्र के चांदपुर में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब सड़क हादसे में एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंगों ने कल उनकी बेटी के साथ छेड़खानी की थी, जिसका उनके परिवार द्वारा विरोध किया गया था। आरोप है कि इसके बाद दबंगों ने पीड़ित परिवार के 5 सदस्यों को कार से कुचल दिया। इसमें पीड़ित की मां ताई की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बुलंदशहर के आला अधिकारी की ओर से दावा किया जा रहा है कि पीड़ित के परिवार को कलवा देहात कोतवाली सड़क हादसा में तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया जा चुका है। मृतकों के पोस्टमार्टम के बाद परिजन गांव को NH91 पर ले आया, सड़क पर रखकर हाईवे को जाम कर दिया। इस घटना की CCTV फुटेज भी सामने आई है, जिसमें बेकाबू वाहन के चलते लोगों को कुचलता नजर आ रहा है। कल रात में एक ट्रक से 3 लोगों के एक्सीडेंट की घटना घटी थी। उस समय परिजनों ने एक्सीडेंट की सूचना दी थी, जिसके आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके और पोस्टमार्टम वगैरह की कार्यवाही रात में ही परिजनों के अनुरोध पर करा दी गई थी। सुबह इन्होंने लिख करके दिया है कि वो जानबूझ करके की गई घटना थी और उस घटना के पीछे के कारण भी बताए गए हैं। उसको तहरीर में विवेचना में शामिल कर लिया गया है और जो दोषी है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए। सर, छेड़खानी को लेकर ये एक्सीडेंट हुआ, ये लिख करके दिया है उन्होंने। विस्तृत परीक्षण किया जा रहा है, साक्ष्य संकलित किया जा रहा है, लोगों से पूछताछ की जा रही है और उसमें अग्रिम कार्यवाही। जो TV1 इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, बुलंदशहर। पर लखीमपुर खीरी के बरबर चौकी के क्षेत्र ग्राम पोंकीपुर में रामचंद पुजारी, बरबर निवासी रामचंद पुजारी के बाग में पेड़ से सुनील का 32 वर्ष का शव लटकता मिला, जिसकी सूचना पुलिस चौकी बरबर को दी गई। तुरंत मौके पर पहुंचकर बरबर पुलिस चौकी प्रभारी अतुल कुमार ने घटना स्थल पर एक जोड़ी चप्पल बरामद किए, सबको अपने कब्जे में लिया। चप्पलों पर लिखा कि 3 बीघा जमीन के खातिर में इन्होंने सुनील को खत्म कर दिया, तो वहीं दूसरी चप्पल पर लिखा था कि राज बहादुर ने मारा है। यहीं पैर के पंजे के पास ऊपर भी लिखा था कि सुनील ने भगवा कलर की टी शर्ट, स्लेटी कलर की पैंट और कथई अंडरवियर पहन रखी थी। पुलिस ने सब को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए रफीक खान की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। वैसे तो स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी हुई तमाम खबरें हमने आपको दिखाई हैं, लेकिन आज एक बार फिर हम आपको रियलिटी टेस्ट करा रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन का, जिसके तहत महापौर नूतन राठौर वार्डों में जाकर दौरा कर रही हैं। नगर निगम की टीम स्वच्छता की बात करती है, लेकिन हम आज महापौर के गृह क्षेत्र में पहुँचे, जहाँ पर हमने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया, जहाँ हमने पाया कि पिछले 15 वर्षों से लगातार जिस तरह से गंदगी का आलम क्षेत्र में था, आज उससे भी बुरी स्थिति इस क्षेत्र की हो चुकी है। थाना दक्षिण के जस्ट पीछे जहां मंदिर है, मस्जिद है, सुलभ शौचालय है, सब्जी मंडी है, बजरिया में लगभग जनपद फिरोजाबाद की 80% आबादी खरीदारी करने के लिए जाती है, लेकिन इस क्षेत्र में गंदगी का आलम आप देखेंगे तो चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कूड़े का अंबार लगा हुआ है, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों के आगे सिल्ट निकली हुई है, आने जाने वाले लोगों को, पूजा करने वाले लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन महापौर नूतन राठौर केवल और केवल हवाई दौरे करने में व्यस्त है, केवल दौरा होता है लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं दिखाई देता, समस्या जस की तस रहती है, उनका कोई समाधान नहीं होता, केवल कागजी बातें और हवाई बातें नगर निगम एवं निगम की महापौर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा की जाती है। व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात तो की जाती है, लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की जाती। आप पूरी रिपोर्ट में देखोगे कि आखिरकार क्या है हकीकत जमीनी स्तर पर, क्या वास्तव में इस स्थिति के बाद भारत के प्रधानमंत्री का सपना जनपद फिरोजाबाद में फिलहाल साकार होता नहीं दिखाई देता है। जी हां, हम साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने स्वच्छ भारत अभियान को उन्हीं की पार्टी की महापौर नूतन राठौर पलीता लगाते हुए साफ तौर से देखी जा रही हैं। अगर हम कहें कि पिछले लंबे समय से जो व्यवस्थाएं व्यवस्थित पड़ी थी, आज वह सुदृढ़ तक नहीं हो पाई हैं, क्या कारण है कोई नहीं जानता, लेकिन दबे स्वर में जनता साफ तौर पर आरोप लगाती है कि नगर निगम में आज केवल और केवल भ्रष्टाचार है, जिसकी वजह से आम जनता इस गंध की, दुर्गंध भरे माहौल की मार झेल रही है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, सफाई होती नहीं है, जिसकी वजह से लोगों का जीवन नारकी बना हुआ है। अब ऐसे में देखना यह हो दिलचस्प होगा कि केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की महापौर होते हुए भी, क्या वास्तव में निगम क्षेत्र की तस्वीर सुधार पाएगी, या तो कहना अभी से मुश्किल होगा, क्योंकि फिलहाल नगर निगम कहें या फिर नरक निगम, अभी तो कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन की कल्पना नरक निगम फिरोजाबाद से न करे। धन्यवाद। देखिए फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता देवाशीष।
शर्मा व मयंक शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन को लेकर तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, तमाम वादे किए जाते हैं और स्वच्छ भारत मिशन को लेकर तमाम बातें की जाती हैं कि स्वच्छ भारत मिशन को लेकर तमाम जगह सफाई करनी है। लेकिन जनपद फिरोजाबाद की अगर हम बात करें तो जनपद फिरोजाबाद में केवल और केवल हवाई दौरे नगर निगम और महापौर द्वारा किए जाते हैं। अगर सफाई की बात करें तो ग्राउंड जीरो पर केवल और केवल चारों तरफ गंदगी गंदगी नजर आती है। इस समय हम लोहा मंडी में खड़े हुए हैं, बजरिया का क्षेत्र है जहाँ जनपद फिरोजाबाद की आधी आबादी यहाँ पर आती है। तो यहाँ सब्जी मंडी भी है, मेरे पीछे दक्षिण थाना है, बराबर में तुलक शौचालय है। उसके बावजूद इस क्षेत्र में जिस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कूड़ा समय से नहीं उठता, कूड़े में आग लगा दी जाती है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि स्वच्छ भारत मिशन की बात करने वाले लोग, स्वच्छ भारत मिशन की कल्पना करने वाले लोग क्या वास्तव में स्वच्छ भारत मिशन की कल्पना कर सकते हैं? क्योंकि हम हकीकत में इस ग्राउंड जीरो की हकीकत को देखने के बाद साफ तौर पर कह सकते हैं कि जनपद फिरोजाबाद आज कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियाँ बड़े स्तर पर नगर निगम और महापौर मिशन राठौर द्वारा उड़ाई जा रही हैं। वैसे में देखने वाली बात यह है कि अब वास्तव में इस सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, क्या वास्तव में सफाई समय से कूड़ा उठाया जाएगा या इसी तरीके से निरंकुश रवैया नगर निगम का लगातार जारी रहेगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि किस तरह से नगर निगम आज नरक निगम बन चुका है। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि किस तरह से व्यापारी लोग, किसान भाई लोग, आड़ती लोग किस तरीके से इस गंदगी से परेशान है, जो आए दिन यहाँ आते हैं और इस गंदगी से रूबरू होते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ देवाशीष शर्मा, टीवी1 इंडिया न्यूज़ के लिए फिरोजाबाद। टीवी1 इंडिया न्यूज़ के लिए मयंक शर्मा के साथ देवाशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। रायबरेली के कोतवाली लालगंज के अंतर्गत बेटा चौराहे पर कोतवाली लालगंज की पुलिस द्वारा 7 बजे से रात 9 बजे तक दोपहिया वाहन चेकिंग का अभियान चलाया गया, जिसमें कोतवाली प्रभारी विनोद सिंह और कस्बा चौकी इंचार्ज अजय कुमार यादव ने अपने पुलिस बल के साथ वाहनों को चेक करते नजर आए। जिन लोगों के पास हेलमेट नहीं था, गाड़ी लाइसेंस नहीं मिलता था, उनका चालान किया जा रहा। टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद साकिब के साथ राजेश कुमार मौर्य की रिपोर्ट, लालगंज रायबरेली। रायबरेली के तहसील लालगंज से सब्जी मंडी से लादकर पिकअप लोडर, जिसका नंबर UP 33-63-28 डलमऊ हाईवे से होकर जा रहा था कि ग्राम कन्ना के पास अचानक टायर फटने से पिकअप लोडर पलट गई, जिसमें 4 व्यापारी व ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तत्काल इंसानियत का परिचय देते हुए 100 नंबर डायल 100 कर कोतवाली डलमऊ को सूचना दी। सूचना पाते ही डलमऊ पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर सबसे पहले गंभीर रूप से घायल ड्राइवर और 4 व्यापारियों को डलमऊ CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। यहाँ पर डॉक्टरों आनंद फानन में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों का इलाज शुरू कर दिया। पुलिस और जनता ने आपस में सहयोग कर सब्जी और गाड़ी को रोड के किनारे से लगा दिया, रोड खाली किया, जिससे आने जाने वालों को कोई असुविधाएं ना हो। ये लाल से माल भर के सब्जी बेचने वाले आ रहे हैं, सब लोग बताए जा रहे हैं गाड़ी ये लाल से डलमऊ तरफ जा रही थी। काफी लोग, 4 लोग हैं जो चोट खा गए हैं, जिनको CSC पहुंचाया गया है। हमारी पुलिस डलमऊ की फोन हार सकती है कि जो खुद मदद कर रही है। हमारी पुलिस आज सराहनीय काम कर रही, पुलिस जो पूरी मदद कर रही है। ये देख रहे हैं आपके हमारे डलमऊ थाने के सिपाही जितने हैं, सभी बहुत ही मददगार साबित हो रहे हैं। तो भैया आप भी गाड़ी बैठे थे जी? कितने लोग चोट खाए हुए हैं? 4-5 लोग हैं। 5 लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा हाथ हाथ हुआ कि मीडियम है? ड्राइवर के ज़्यादा है, ड्राइवर ज़्यादा चोट खाया हुआ है। बताया जा रहा है कि ये व्यापारी है, बता रहे हैं कि ड्राइवर ज़्यादा चोट खाया हुआ है, जो डलमऊ CSC ले गए हैं। अभी के हालात यही तक। रिपोर्टर कमलेश कुमार, कैमरामैन मुकेश शर्मा के साथ। टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद साकिब के साथ राजेश कुमार मौर्य की रिपोर्ट, डलमऊ रायबरेली। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से लखनऊ जा रही तेज रफ्तार यात्रियों से भरी डबल टेकर बस अचानक अपनी दिशा खो बैठी और डिवाइडर से टकरा गई, हादसे का शिकार हो गई। बस में सफर कर रहे 30 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, तो वहीं 7 की हालत गंभीर और 4 को कानपुर के लिए रेफर किया गया। आप यहाँ से कहाँ जा रहे, तो क्या हादसा हो गया? मैं लखनऊ जा रहा था, मैं जॉब करता हूँ, तो मैं बस लेता हूँ हर बार, तो
इस बार भी मैंने हर बार की तरह ग्रेटर नोएडा से बस ली थी और लखनऊ के लिए, तो मुझे कुछ अर्जेंट काम था तो मैं आ गई रात में निकला। अब मैंने लगभग दो तीन बजे तक तो मैं मुझे नींद से आई थी, मैंने फोन में वाईफाई कनेक्ट करके मूवी देखी, उसके बाद मैं सोया एकदम से आवाज मिली तो पूरा कांड हो चुका था। लगभग उसमें कितने लोग घायल हैं? मेरे ख्याल से हमें तो लग रहा सभी घायल है, दस पंद्रह नहीं 20-35 लोग घायल, क्योंकि थोड़ी सी सीट क्वान्टिटी कितनी होती है, नीचे मान लें 12 40-50 लोग रहते हैं। सब क्या घटना घटी? आज सुबह लगभग 4:30 बजे एक बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और पलट गई, जिसमें से लगभग 7 मरीज हमारे पास आए, जिसमें से 4 की हालत बहुत नाजुक थी जिनको रिफर कर दिया गया है, बाकी 2 लोग जो अपने घर चले गए जिनकी हालत सही थी, और एक पेशेंट अभी भी हमारे पास है और उसका चल रहा है और उसकी हालत से बात है। यूवन इंडिया न्यूज़ के लिए सोनू भदौरिया की रिपोर्ट, कन्नौज।